तो दोस्तों आज हम अपनी बेटा फिश के लिए बहुत सारी मछली लाने वाले हैं। देख सकते हैं अकेली बेटा फिश यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है और हमें ये देखना होगा कि वो मछली इनके साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, नहीं तो हमें बेटा फिश को दूसरे टैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए नेचुरल हैबिटाट बहुत ज्यादा सही होता है। तो हमारे पास एक नेचुरल हैबिटाट वाला टैंक है भी, तो चलो मैं मछली आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी मछलियाँ हैं। ये देखो कितनी सारी गप्पीज है इसमें, तो ये मछली को हमें ऐड करने वाले हैं हमारे बेटा फिश टैंक में। तो देखते हैं कि ये इसके साथ रहती है, कोई इसे काटता है या नहीं काटता, वो तो बाद में पता चलेगा। तो चलिए इसे एक्लिमटाइज कर लेते हैं सबसे पहले। देखो दोस्तों हमने लगा दिया है इसे एक्लिमटाइज के लिए, अब इसे रखेंगे 5 या 10 मिनट, जितना मिनट आप रख सकते हैं। और आपको एक बार नीचे से दिखा देता हूँ, वाह बहुत सारी गप्पीज है भाई। तो चलो मिलते हैं इसे छोड़ेंगे उसके बाद। वो भाई बेटा फिश को देख सकते हैं इन लोग के पास आ रही है भाई, मुझे तो लगता है ये बेटा फिश से काट देगी, काटने ही वाली। देख सकते हैं इनके आसपास ही घूम रही है। हो भाई मुझे नहीं लगता कि ये इनके साथ रह पाएगी।